हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय थ्री, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री, यानी कि हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी नंबर थ्री से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो चलिए जो आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाई थ्री, तो आखिर हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई नंबर जो है थ्री से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ थ्री देन द नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री। बोल रहा है कि अगर आपको कोई सा भी नंबर दिया है, अगर कोई जो भी नंबर दिया है उसके जितने भी डिजिट हैं उन सारे डिजिट को आप अगर सेपरेटली ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो नंबर आया, वो जो नंबर अगर थ्री का मल्टीपल है, तो हम लोग को समझ जाना है कि वो जो नंबर होगा जिस नंबर के डिजिट को हम लोग ऐड किए हैं जो कि थ्री का मल्टीपल है, वो जो नंबर होगा थ्री से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग को समझ जाना है कि वो जो नंबर होगा थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसके एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 21, 23, 25, 393, 763, 735। यहाँ पे हम लोग नंबर ले लिए। अगर हम लोग बताना है कि इस नंबर इन सारे नंबर के अंदर से कौन सा नंबर जो है थ्री से डिविजिबल है, तो सिंपल से हम लोग बता दिए हैं कि अगर चेक करना है तो जितने जो भी नंबर दिया उसमें जितने भी डिजिट है उन सारे डिजिट को हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर जो सम आया वो जो सम अगर थ्री का मल्टीपल है तो समझ जाना है कि वो जो नंबर है थ्री से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे 21 है, 21 के कितने डिजिट हैं, टू डिजिट हैं, टू डिजिट को हम लोग सेपरेटली ऐड करेंगे, कितना हुआ थ्री, और ये थ्री जो है क्या है, मल्टीपल ऑफ थ्री है। तो ये जो है मल्टीपल ऑफ थ्री है, इसका मतलब जो 21 भी होगा, 21 जो होगा थ्री से डिविजिबल होगा, 21 जो होगा डिविजिबल बाई थ्री होगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसके डिजिट को हम लोग ऐड किए तो कितना है थ्री, थ्री जो कि थ्री का मल्टीपल है, इसलिए ये जो नंबर होगा थ्री से डिविजिबल होगा। यहीं पे 23 दिया है, इसको हम लोग सेपरेटली ऐड करते हैं तो टू और थ्री कितना होता है फाइव, तो ये जो है मल्टीपल ऑफ मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं है, इसका मतलब जो है 23 जो है थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। फिर अगला नंबर दिया 25 को हम लोग ऐड करते हैं तो टू और फाइव कितना हुआ सेवन, और सेवन जो है थ्री का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये भी जो होगा, ये नंबर भी होगा थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। फिर अगला नंबर दिया है 393, हम लोग इसको ऐड करते हैं 393, थ्री और नाइन ट्वेल्व, और ट्वेल्व और थ्री कितना हुआ फिफ्टीन, और फिफ्टीन जो है थ्री का मल्टीपल है, मल्टीपल है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा थ्री से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको क्लियर होते जा रहा होगा कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी नंबर थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। फिर अगला नंबर ये दिया हुआ, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 7 + 6 + 3, 7 और 3 10, और 6 16, और 16 जो है थ्री का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये जो होगा थ्री का डिविजिबल नहीं होगा। फिर अगला दिया है 735, इसको हम लोग सेपरेटली ऐड करते हैं 7 + 3 + 5 कितना हुआ 7 और 3 10 और 5 15, और 15 जो है थ्री का मल्टीपल है, यानी कि ये जो नंबर होगा थ्री से डिविजिबल होगा। क्योंकि 21, 393 और 735 जो है यहाँ पे थ्री से डिविजिबल है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन सा नंबर जो होता है थ्री से डिविजिबल होता है और कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं। तो वैसा नंबर जिसके सारे डिजिट को हम लोग ऐड करने पे अगर वो उसका सम जो होता है मल्टीपल ऑफ थ्री आता है, तो हम लोग समझ जाना है कि वो जो नंबर है थ्री से डिविजिबल है। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि डिविजिबिलिटी बाई थ्री कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।